नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गिलोय के बारे में। गिलोय कैसा पौधा होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है, इसका काढ़ा कैसे बनाएं, इसका पाउडर कैसे बनाएं, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें गिलोय होता कैसा है। तो जैसा कि आप ऊपर इमेज में देख रहे हैं, गिलोय जो है एक पौधा होता है, इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको एक अमृत की तरह आयुर्वेदिक औषधि माना गया है आयुर्वेद के अंदर। तो इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अमृता बेल, अमृता, या फिर जो है गुड़ुची, चक्रांगी, छिन्ना, इस जो इस तरह के नाम हैं उन नामों से जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में इसको जाना जाता है। इसकी तासीर जो है गर्म होती है, ये थोड़े गर्म प्रवृत्ति का होता है, और इसका जो तना होता है उसको जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों के लिए। इसके तने को जो है सबसे उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अलावा इसमें जो स्टार्च वगैरह होता है। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसका जो तासीर मैंने बता दिया आपको, गर्म होता है, तो इसको विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। इसका पाउडर बना सकते हैं, इसको आप जो है जूस बना के ले सकते हैं, इसके अलावा इसका आप जो है काढ़ा बना सकते हैं, इसको विभिन्न तरीके से आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसको गिलोय के पौधे के बारे में बता दिया, अभी इसके कुछ फ़ायदों की बात कर लेते हैं। फ़ायदे में दोस्तों मैं कुछ पॉइंट बना के लेके आया हूँ, तो उसके हिसाब से मैं पॉइंट वाइज आपको जो है इसके फ़ायदे बता देता हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने इसको कुछ मेन फ़ायदे जो है आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा जो है दोस्तों, इसको बुखार, आपको किसी प्रकार का बुखार हो, जिसे ज्वर कहते हैं, आपको किसी प्रकार का ज्वर हो तो ज्वर में ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है आपकी इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करते हैं, आपकी रोगों के लड़ने की जो शक्ति होती है उसको जो है बढ़ाते हैं, तो जिससे आपका रोग जो है वो जल्दी से ख़त्म होता है, आपका शरीर जो है खुद उस रोग से लड़ने लग जाता है, तो वो जो रोग जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। दूसरे इसके फ़ायदे की बात करें दोस्तों, तो एक डेंगू बुखार होता है जो इंडिया में काफ़ी फैल जाता है, ये गर्मियों के टाइम में नॉर्मल तो ज़्यादा होता है, और इसका जो मच्छर होता है वो जो है दोपहर के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो ये जो है ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करता है। तो इस बुखार में क्या होता है कि आपकी जो प्लेटलेट जो होती हैं, जो खून का थक्का जमाने का काम करती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं, तो ये जो है आपकी प्लेटलेट गिरने लगती हैं। तो प्लेटलेट अगर ज़्यादा गिरने लग जाती हैं तो उसमें क्या इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है आपकी, और आपके अगर कहीं लग भी जाती हैं तो वो खून रुकना बंद हो जाता है, इसलिए आपका जो है ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। और ज़्यादा ब्लड लॉस अगर आपका हो जाता है तो आपको पता है कि हमारे शरीर में अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारे शरीर का क्या हो सकता है, शरीर की ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी। तो उस हिसाब से जो है प्लेटलेट कम होने से आप जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और केस अगर ज़्यादा बिगड़ जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो गिलोय जो है आपकी प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करती हैं और डेंगू को जो है ख़त्म करती हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता है, अगर आपका डाइजेशन वगैरह अच्छा नहीं है, तो ये डाइजेशन भी अच्छा करती हैं, और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो आप जो है इसको वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा जो है औषधि मान सकते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं। इसके अलावा एक गठिया रोग होता है जिसमें आपके हड्डियों की जो जोड़ होती हैं, जितने भी जोड़ हैं, संधि बोला जाता है उनको, तो जितने भी जोड़ और संधियाँ होती हैं उनमें जो है सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनमें जो है वो घर्षण वाला जो लिक्विड होता है वो लिक्विड ख़त्म हो जाते हैं, जिससे जो है लुब्रिकेंट ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें जो घर्षण ज़्यादा होगा, रगड़ ज़्यादा होगी, तो दर्द ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ये समस्या गठिया रोग है तो उसमें जो है ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि ये डायबिटीज़ में जो है आपके ब्लड शुगर जो होती हैं उसके लेवल को जो है मेंटेन रखती हैं, ब्लड शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल में रखती हैं। ये कुछ दोस्तों इसकी फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी जो बढ़ाती है वो मैंने आपको बता दिया, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपको बढ़ानी है तो आप गिलोय का सेवन आज से ही चालू कर दीजिए, ये सबसे अच्छा काम करती हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों इसके सेवन के तरीके के बारे में। तो जैसा कि हर औषधि का सेवन का एक तरीका होता है, आपको उस तरीके से अगर लेनी चाहिए तो उसमें क्या है कि आपको फ़ायदा डबल होता है। अगर आप बिना समय उसको लेते हैं तो वो जो उतना फ़ायदा नहीं कर पाती हैं, कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसको लेने के लिए दोस्तों आप इसका पाउडर ले सकते हैं, आप इसका जूस बना सकते हैं, और आप जो इसको
आप जो है काढ़ा बना के पी सकते हैं। पाउडर बनाने के लिए किया जाता है कि पाउडर में जो है आपके उसका पत्ता होता है और इसका तना होता है, उन दोनों को जो है सुखा लिया जाता है, सुखा कर जो है इनका पाउडर बनाया जाता है। इनका पाउडर बना के आप जो है इनको ले सकते हैं। और जूस बनाने के लिए आप जो है इसका जो तना होता है उस तने को जो है आप पीस सकते हैं, पीस कर जो उसका जूस निकाल सकते हैं, या फिर जो एक सिलबट्टा होता है पत्थर का बना होता है उसके ऊपर आप रगड़ सकते हैं, उसको रगड़ के जो है आप इसका जूस बना के उसको रगड़ लीजिए, फिर जो वो होगा उसको जो आप निचोड़ लीजिए इसके गुदे को, और गुदे को निचोड़ के जो आप इसका जूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको काढ़ा बनाना है तो काढ़ा बनाने के लिए आप इसके जो है तने को ले सकते हैं। तने को जो है लेकर आप जो है थोड़ा कूट लीजिए और फिर पानी में जो इसको भिगो दीजिए, और इसको जो है पानी में भिगो कर जो है आप 1 घंटा भिगो दीजिए, फिर इसको थोड़ा उबाल लीजिए। उबाल के जब पानी आधा रह जाए तो आप जो है इसको जो है बाहर निकाल कर छान कर जो है आप इसके काढ़े को पी सकते हैं। तो दोस्तों आपने पाउडर को बता दिया मैंने, और आपको जो है इसके काढ़े का भी बता दिया, जूस का भी बता दिया। तो फ़ायदे की बात तो बहुत हो गई, अब कुछ नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिनके फ़ायदे होते हैं उनके नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों इनके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है इनके, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो अगर आपका डाइजेशन वीक है तो ये डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि पचने में थोड़ा भारी होता है ये, इसलिए अगर आपका डाइजेशन वीक है तो इसको लिमिट मात्रा में ही खाएँ, कम मात्रा में ही खाएँ। और इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में जो है ये, अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो ये कभी कभी जो है ब्लड शुगर जो लेवल होता है उनमें जो इंटरफेयर करती हैं, तो इसके लिए अगर आप डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से पूछ के ही आपको इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी होती है, तो अगर प्रेगनेंसी में भी आप इस गिलोय का सेवन करते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि देखा गया है कि ये प्रेगनेंसी में भी जो है कभी कभी इंटरफेयर कर देती हैं, तो इसलिए एक बार जो है डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें आप। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं गिलोय के बारे में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे दोस्तों तो आपको करना क्या है, आपको पता ही है, एक लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आपको आयुर्वेद के बारे में अवेयर करता रहता हूँ, आपकी जो बीमारियाँ उनका हल बताता रहता हूँ। इसलिए दोस्तों एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में।